रुपीज़ वसूल है भाई। पता नहीं कैमरा में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मैं थोड़ा साफ करता हूँ लेंस इसका। अब शायद आ जाए, पर अब कैमरा पानी भीगने का डर रहेगा। और अब कैमरा बचाओ। ट्राइपॉड उठाना पड़ा और कैमरा का पता नहीं कैसा होगा। कृष्णा और आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ललन बॉयज़ पे। तो आपको मालूम चल गया हो कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, टाइटल और थंबनेल से मालूम चल गया होगा। और जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि बस्तर का आपको मैं एक और जो कि फेमस वाटरफॉल है चित्रकूट वाटरफॉल वो दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं आया हूँ बस्तर का वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल पर, और दिन है संडे और मैंने कहा था कि थोड़ा ब्लॉग लेट आएगा पर दुरुस्त देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। तो देखिए बस्तर का वाटरफॉल में कहा था चित्रकूट जो कि सबसे बड़ा वाटरफॉल है, तो यहाँ एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है और जस्ट मेरे पीछे ये रहा वाटरफॉल। तो चलिए पहले नज़दीक से एक बार देख लेते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए फिर देख। एक वीडियो आई थी चित्रकूट की, आपने देखा था, मैंने दिखाया था। वो सूट जो है मेरे द्वारा नहीं की हुई थी, मेरे को एक यहाँ के लोकल ने भेजा था तो मैंने उसको दिखाया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप मैं पानी को दिखाऊँगा, देखिएगा आप उसमें वीडियो में दिखाओगे पानी के अंदर रेनबो बनता है। जी हाँ, रेनबो जो सूर्य की किरण को रेनबो बनाती है। चलिए उस रेनबो को पहले देखते हैं। मेरे साथ है मनीष भाई और अभिषेक भाई भी है। पीछे रहा चित्रकूट वाटरफॉल। यहाँ पर आना कैसे है मैं आपको वीडियो में पूरी बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखना। और यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और किस साधन से आ सकते हैं यही बता सकते हैं। और इसके पहले तीरथगढ़ में जो गया था जगदलपुर शहर से सेम डिस्टेंस 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये भी आपका 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, पर दोनों दो दिशा में पड़ता है। आपको आने के लिए इससे वाले में जगदलपुर से आपको चित्रकूट रोड में आना पड़ेगा और तीरथगढ़ जाने के लिए आपको गिदम रोड में आना पड़ेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। चलिए फिर पीछे, और अभी हम बोटिंग भी करेंगे। टारगेट हमारा है कि हम बोटिंग करें और आपको बोटिंग का भी हम दिखाएँ। और यहाँ पर आने से सबसे पहले बरसात का मौसम काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि पूरा तेज़ी से पानी नीचे आता है, वो देखने में एक अलग सा मज़ा आता है। और देख सकते हैं नीचे बस्तर का मतलब कि एक अनोखा जगह भी इसे आप कह सकते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कहाँ पे आपको देखना है। उस एरिया जहाँ मेरा उंगली जा रहा है उस एरिया को ध्यान से देखना। मैं अभी वीडियो में दिखाऊँगा कि वहाँ पर अभी आपको रेनबो बनता हुआ दिखेगा। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं और इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को और वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। उंगली पे जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रेनबो टाइप का बन रहा है। और अगर नहीं दिख रहा हो तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि धूप जैसे आती है तो रेनबो टाइप का ही बनता है, जो अपने आप में एक अनोखा है। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ इस एरिए पे जहाँ पे ये वाटर ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पर रेनबो हल्का हल्का बनता आपको दिख रहा होगा और मार्किंग कर रहा होगा आपको। ये देखिए देखिए अब धीरे धीरे बनना चालू हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में मनोरंजन पेश करता है और बरसात में ये पूरा ऊपर से पानी फ्लो करता है, जो अपने आप में एक अलग से नज़ारा पेश करता है। चलिए फिर हम लोग थोड़ा और देखते हैं इसमें एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ से मिल जाएगा, देखने पीछे लिखा नीचे जाने का रास्ता, तो आप इस रास्ते को फॉलो करके नीचे जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब किया गया है और यहाँ पे आपको बताया है कि आप किस दिशा में हैं। अभी मैं टॉप में हूँ, टॉप ऑफ द नियर वाटरफॉल, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, रिवर, टॉयलेट वगैरह सब कहाँ पे पूरा यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से बताया गया है, मैप के माध्यम से। और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया, बहुत अच्छा इसको मेंटेनेंस किया गया है। तो हमारा फर्ज यही बनता है कि इसको साफ़ सफाई रखें और बस्तर की आराध्या देवी माता माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। बोर्ड भी लगा हुआ, माँ दंतेश्वरी मंदिर यहाँ से भी 85 किलोमीटर पे है। चलिए फिर हम लोग नीचे चलते हैं। एक रिसोर्ट है, आप जो लॉन्ग टूर से आते हैं यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं नॉमिनल चार्ज देके। तो जस्ट ही यहाँ पे हॉल के जस्ट बगल में रिसोर्ट है और हम लोग चलेंगे नीचे। नीचे जो हमारा डाउनग्रेड चालू होगा यहाँ से, और नीचे देख सकते हैं, नहीं भी तो हमको समथिंग जाना पड़ेगा, 40 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। रास्ता यहाँ से जाता है और ऐसे हम लोग नीचे उतरे हैं 10 मीटर नीचे में। आप नेचर ट्रेल चित्रकूट करके उस समय दिखा है, मुझे नहीं पता क्या है इसके अंदर, हम वहाँ जाएंगे और एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर क्या है। और मुझे एक दिखा है पत्थर का ही है, तो क्या बोलते हैं हम लोग अपनी तरफ में, गोबर का छत्ता, या फिर आप बोल सकते हैं इसको, बोल रहा उसका नाम। और आगे एक मंदिर भी है। फिलहाल ये चित्रकूट नेचर ट्रेल अभी क्लोज है, क्या आप नहीं जा सकते, मुझे गाड़ी लगी हुई है और मैं बैड लक कि मैं नहीं जा सकता हूँ। नीचे जैसे ही थोड़ा सा आया हूँ तो मुझे दिखा है एक मंदिर, घंटी की आवाज़ हुई थी और इस जगह पे मंदिर होना जायज़ है क्योंकि बाद चित्रकूट में हमें मंदिर मिला था। चलिए मंदिर को टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहले एक ऊपर देखा, उसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, पर लास्ट में जाते इसमें उसको भी एक्सप्लोर कर दूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी थी। और सेकंड मंदिर जो हमारे स्टेयर के पास ही खुला, तीसरा है सामने, तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। और देखिए स्टेयर में सबसे फायदा है कि ज़्यादा पता नहीं चल रहा, हम चढ़ भी रहे तो। और ये रहा गेट नंबर 2, ये गेट नंबर 2 लिखा है और यहाँ से भी जा सकते हैं। और थोड़ा यहाँ का सीन देखते हैं। चूँकि पूरा नीचे पे सामने आप देखो आवाज़ आपको आ रही होगी, ये रहा वाटरफॉल चित्रकूट का। और बरसात के दिनों में ये पूरा पर भर जाता है, नीचे रेत है। और आगे आपको मौका मिलेगा मेरे साथ एंजॉय करने का, बोटिंग का। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और आपको भी दीदार कराते हैं छत्तीसगढ़ का कुछ अनोखा। रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं, बस यहाँ ध्यान यही देना है कि भाई पैर स्लिप ना करें। मनीष भाई 2 बार स्लिप कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्यों बीप लगाना पड़ेगा भाई। हम लोगों के ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना। आपको मैंने खाने का व्यवस्था पूरा है, कचौड़ी पकौड़ी जो भी आप खा सकते हैं यहाँ पे। और ये रहा वाटरफॉल, सीधा अपने हमें ऊपर से दिखाया था। और क्या व्यवस्था पूरा क्या है, खाने की व्यवस्था में पूरा क्या है बताइए ना मनीष भाई, क्या कचौड़ी पूरी। देखिए अगर जो भी मेरे चाहने देखने वाले देख रहे हो तो भाई थोड़ा ध्यान से देखना कि देखिए ये 2 अश्लील लौंडे यहाँ पे खड़े हैं, अश्लीलता की हद वो पार कर बैठते हैं। तो हम लोग अभी चलिए तो देखते हैं। बड़े वाले वही हैं बोटिंग के लिए, और बोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि भाई तैरने नहीं आता तो लाइफ सपोर्ट जैकेट जो कि यहाँ मिलता है उसको ज़रूर लगाएँ, क्योंकि पानी है और पानी में आपका सेफ्टी सबसे पहले होता है। चलिए हम लोग बोटिंग की तरफ चलते हैं और एंजॉय करते हैं पानी का। और देखिए सिनेमेटिक सीन कुछ आएगा तो सिनेमेटिक सीन को भी एंजॉय करना है। और भाई कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फाइनली हम लोग बैठ चुके बोट में। भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहीं बैठे थे? बहुत बार। डर क्यों रहता है आप लोग? डर इसलिए रहते क्योंकि तुम हो ना यार, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं। मनीष भाई कैसा फील कर रहे हैं? ये तो गुड पहली बार आया ना? तो आज संडे है तो फुल एंजॉय हम लोग कर रहे हैं और यहाँ से बोट होगी चालू। फिलहाल हम लोग को लाइफ सपोर्ट जैकेट नहीं मिला, बट मिलेगा तो पहनेंगे हम लोग जरूर, पहनना ही यहाँ पे। तो बोट वाले कह रहे हैं 25 और यहाँ भीड़ है 11। 50 रुपये नॉर्मल चार्ज है पर हेड। आप 50 रुपीज़ देके बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको टिकट भी दिया जाएगा। सपोर्ट जैकेट हम तीनों ने पहन लिया है और हम लोग चलेंगे अब। हम लोग चलते हैं, अब बोटिंग चालू होगी। ऐसा फील कर अभिषेक भैया, ऐसा सब करते हैं पानी में, पर पानी ब्लू नहीं है। ब्लू है पानी, पानी थोड़ी हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे और हम लोग इंजॉय करेंगे भी यहाँ से। पानी में कुछ महक वहाँ तो जाओगे ना भाई। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ इसी लग रहा है। नहीं वो आप बता सकते, बिल्कुल ब्लॉग है, पब्लिक ब्लॉग है, सभी लोग देखेंगे आपकी बातें। घूम रहे हैं हाँ भैया, इंजॉय भी कर रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी से इंजॉय कर रहा है। घर अच्छा ये घर के हैं? अरे भाई तो फ्री में पहुंच रहे हैं। ये हमारे ICICI बैंक के मैनेजर साहब, और ये पहली बार आए हमारे साथ। हाँ पहली बार हमारे साथ इंजॉय करने के, ये लोग हमारे साथ पहली बार आए कि हम आए वो पता नहीं, वो पता नहीं है। चलिए फिर, नाव काफ़ी ज़्यादा स्पीड चल रहा है और हमारी बरसात के मौसम में वाटरफॉल से पानी ही गिरेगा, दूध थोड़ी गिरता है। एक दूध सागर फॉल भी है तो वहाँ दूध जैसा फील आता है। भाई मेरे ब्लॉग का चर्चा अगर कर रहे हैं तो यही है। इनके लिए आप कुछ स्लैब कमेंट में दे सकते हैं। अभिषेक पांडे नाम है, पर पांडे वाले को हरकत इनमें है ही नहीं है। मेरा शादी कराने के लिए शपथ लिए है, शपथ ले चुके हैं, शपथ ग्रहण ले चुके हैं। वाटरफॉल की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं हम लोग। तो यार देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। करीब करीब अपने रूम से 60 to 65 किलोमीटर के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे समथिंग 500 रुपये का कुछ खर्च हुए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपका एक प्रेस से हो सकता है सारा पैसा निकल जाए। देखिए यहाँ पर क्या मस्त इसकी बनावट है। अभी हम लोग नज़दीक का और ऊपर से देखें, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे हम लोग फिर। Doing crazy dreaming. ज़्यादा एक्साइटमेंट फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। और वो पानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अब यहाँ पे पानी कैमरे पे भी आ रही है, देख सकते हैं कि चश्मा भी मेरा कुछ ऐसा हो गया होगा। और मेरे साथ अपडेट किया और जिन्होंने जैसे ही कहा था कि हम लोग गीले हो जाएंगे और वही फीलिंग आ रहा है। और भैया कैमरे में पानी भी आ रही है हमारी, थोड़ा सा वाटर प्रूफ कैमरा फीलिंग हो रही है यहाँ पे। पानी आ रहा है कैमरे पर, चश्मे पे पूरा आ चुका है। और यहाँ रेनबो टाइप का बन रहा है, पीछे पीछे एक रेनबो भी बना है। फीलिंग हो रही है, ओहो व्हाट अ शॉट। 50 रुपीज़ वसूल गए भाई, पता नहीं कैमरे में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर मैं थोड़ा साफ करता हूँ लेंस इसका, अब शायद आ जाए। पर अब कैमरा पानी भीगने का डर रहेगा। और अब कैमरा बचाओ, अब कैमरा बचाओ भाई, हम लोग पूरा गीले हो गए। देखिए हमको ट्राइपॉड उठाना पड़ा और बक्सा दूध कैमरा का पता नहीं कैसा होगा। यहाँ पे गोप्रो में ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम लोग पूरा गीले हो चुके हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिना मेकअप का कैसा दिख रहा है, बिना मेकअप का बहुत गंदा दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय लगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हमें, और हो सकता है मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाए, मे भी भगवान करे। थोड़ा सा वाटर प्रूफ है। और पीछे देखिए क्या मस्त सीन आ रहा है। ये सिटी है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे करेंगे बोटिंग, और हमने गॉगल्स को बदल लिया इसलिए क्योंकि भाई मेरा गॉगल्स पूरा गीला हो गया था यहाँ पे आते आते। और आप क्या क्या गीला हुआ मुझे नहीं पता, पर सब कुछ गीला हो चुका है। पैंट वैंट सब गीले हो चुका है। और वहाँ का सीन जो था ना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। 50 रुपीज़ लगते हैं और वहाँ पर आप फ़ोन भी बचा कर रखो, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसको भी बचा कर रखने का है। और वहाँ तक जाते रहते तो मैंने अपना फ़ोन कैसे कैसे बचाया और काफ़ी इन्जॉय आया घूम के। और चलिए थोड़ा सा इस साइड में हम लोग घूमते हैं। मनीष भाई, तो क्या एक्सपीरियंस देना चाहेंगे बोट को आप? हम तो यही बोलेंगे कि भाई पैंट का वो पूरा गीला हो चुका है। और यहाँ पे रेनबो वाला फील आता है। तो आप चैनल पे अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यहाँ पे आने पे, ब्लॉग शूट करने में। और सबसे पहले पब्लिक रिएक्शन जो होता है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग फील कराता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आके थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे। और आपको हमने दिखाया कि उस एरिया से वो बोटिंग जो थी पर हेड 50 रुपीज़ का चार्ज था, मैंने बताया है। हमें 150 रुपये खर्च करने पड़े और बोटिंग वालों ने मात्र 10 मिनट में आपको पूरा टूर करा दिया। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करी थी बोटिंग, और बोटिंग घूमते हुए इस तरफ से होते हुए, और फिर हम लोग उसके नज़दीक से, बिल्कुल एकदम नज़दीक से, कि ऐसा कि पूरा छीटा हमें तक आए पानी का। और हम लोग घूमते फिर वापस आ गए। तो काफ़ी एक्साइटमेंट सीन था। और फोटोग्राफी का सीज़न चला जाता है। चलिए फिर चैनल पे अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और चलिए फिर और भी है भाई बहुत। फाइनली हम लोगों ने फोटोग्राफी किया है। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि नीचे का जो स्पेसेस था वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं, वीडियो के ब्लॉग माध्यम से बता चुके हैं। अब रही बात कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप जगदलपुर से आते हैं, अगर आपका पर्सनल गाड़ी है तो आपको मैंने बताया था चित्रकूट रोड में आपको आना है। अगर चित्रकूट नहीं पता तो आप धर्मपुरा रोड से भी धर्मपुरा रोड में आ सकते हैं। वो रोड आपको सीधी वहाँ से 40 किलोमीटर पर आपको चित्रकूट फॉल वाटरफॉल दिख जाएगा, मिलेगा। और यहाँ पे अगर प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, यानी कि गाड़ी रिजर्व गाड़ी प्राइवेट व्हीकल से, तो फिर आपको वहाँ से और गाड़ी मिलेगी, बस टैक्सी कुछ भी मिलेगी जो आपको चित्रकूट तक लाएगी। किराए में नहीं बता सकता हूँ कि मैं किराया प्राइवेट गाड़ी से नहीं आया हूँ, मैं खुद की बाइक से भी आया हूँ। तो अभी तक आपने ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। अब चलते हैं ऊपर, कुछ मंदिर आपको दिखाएंगे। और चलिए फिर चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग बनाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। और देखिए हम लोग लेट है पर दुरुस्त आते हैं। चलिए फिर खाने पे बैठे हैं और प्याज खोज रहे हैं और कांदा खोज रहे हैं। हमारे अभिषेक भाई, हमारे मनीष भाई, आज का सैलरी डेबिट होगा, सीहोर है और ये कांदा खोज रहे हैं। और अब हम लोग खाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आए तो ज़रूर यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि ये लोग खुद के लिए कमाते हैं। आंटी का फोटो लीजिए, आंटी भी है। बस्तर में ये सब चीज़ फेमस है। सबसे बड़े कि चूल्हे की लकड़ी में आपको खाने का टेस्ट कुछ अलग आता है। और हम लोगों ने क्या खरीदा भाई? ब्रेड पकौड़ा, इसको हम लोग अपने भाषा में ब्रेड पकौड़ा भी कहते हैं। यहाँ पे जब भी आए चित्रकूट वाटरफॉल में तो सबसे लाजवाब, सबसे लजीज आपको अगर नाश्ता करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। जस्ट आपको सीढ़ी से जैसे उतरेंगे ना, फर्स्ट वाला ही शॉप बहुत बड़ा आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने भी क्या क्या खाया है, हमारे अभिषेक जी बताएं क्या क्या खाए हम लोग? ब्रेड पकौड़ा चटनी, और ऐसा चटनी का टेस्ट बस्तर में हमें कहीं देखने को नहीं मिला। और सबसे जो खासियत देखिए, चटनी जो किसी को सिलवट में किसी की सिलवट उसको कहते हैं। और एक पकौड़ा कितना? 5 रुपये पकौड़ा हम लोग खाए, 7 या 8, काफ़ी सस्ता मिला। और ये शॉप है, 2 बहनें चलाती हैं, इनकी मम्मी हैं। और यहाँ पर आए तो बिंदास आएँ और खा के जाएँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away.